प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा दिए बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया बयान निंदनीय है। उन्हें जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था और उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं बड़ी सौगात देकर गए हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं को भी उनका स्वागत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सिंहदेव साहब को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को जब 3 राज्यों का गठन किया उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तस्तरी में सजा करके दिया। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा वहीं से प्रारंभ होती है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और टीएस सिंहदेव सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भी अटल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। रही बात आदरणीय मोदी जी के दौरे को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान पूर्ण रूप से औचित्यहीन है, हास्यपद है। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर के आए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सुदूर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया। बीजापुर के जांगरा में आयुष्मान भारत योजना के ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। जगदलपुर में हवाई सेवा का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। जंगल सफारी का लोकार्पण सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। 104 वर्षीय कुंवर बाई जो बकरी बेच करके शौचालय का निर्माण किया संपूर्ण समाज के लिए एक उदाहरण कुंवर बाई ने प्रस्तुत किया, उसका पैर छू करके प्रणाम, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तित्व किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व से उनके काम से सिंहदेव साहब को और पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुमूल्य है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।